आपका एक बार फिर से स्वागत है कुछ न्यू फॉर यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शंस के बारे में जो कि अभी इंडिया में चल रहे हैं। थ्री फेज के इलेक्शंस हो चुके हैं, आज फोर्थ फेज के इलेक्शन चल रहे हैं और थ्री फेज के इलेक्शन रह गए हैं। तो जो लोकसभा इलेक्शंस हैं वो टोटल सेवन फेज में कम्प्लीट होंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 23 मई यानी अगले महीने। तो ऐसे में अगर आप एक नए वोटर हैं और पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप वोट कर पाएंगे, कर सकते हैं, इस वीडियो में सब कुछ आपको फुल प्रोसेस बताएंगे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल और अगर आप एक नए वोटर हैं और पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपना नाम आपको वोटर लिस्ट में चेक करना है, ठीक है। वोटर लिस्ट में आपका नाम है, उसके बाद आपको पोलिंग बूथ पे जाना है, ठीक है। पोलिंग बूथ पे जब आप जाएंगे, अपना आपको आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र आपको साथ लेके जाना है, ठीक है। साथ लेके जाइएगा, अगर आप किसी वजह से भूल जाते हैं या नहीं लेके जाते तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। मैं एक बार फिर दोबारा बोल देता हूँ ये बात, अगर आप अपना पहचान पत्र नहीं लेके जाते हैं या किसी वजह से भूल जाते हैं घर पे तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे उसके बिना, ठीक है। और जब आप पोलिंग बूथ में एंटर करेंगे तो वहाँ जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी है वहाँ पे, वो आपको नीली स्याही लगा देंगे। उसके बाद आपको एक रजिस्टर में साइन करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप साइन नहीं कर सकते तो आप अंगूठा भी लगा सकते हैं। ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद आपको वहाँ जो जिनकी ड्यूटी है उनसे आपको वोट डालने की परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद आप जिस पार्टी या उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है वोट करने का और यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है जब भी आप वोट करने जाओगे। तो बस आज की वीडियो में हमने बात की लोकसभा इलेक्शंस की, तो मैं आपसे लास्ट में एक यही अपील करूंगा कि वोट करने ज़रूर जाएं। तो बस दोस्तों, अगर आप एक नए वोटर हो तो आप मेरे ख्याल से ये प्रोसेस समझ गए होंगे कि आपको वोट कैसे करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी नई नई वीडियोज़ यही देखने को मिलती है।